स्वागत है सभी का एक नए ब्लॉग पे। गुड मॉर्निंग, आज है बुधवार, वेडनेसडे। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा टेरेस पे, सुबह सुबह उठ के बहुत अच्छा नजारा है। मैंने एक वीडियो बनाया इस मोबाइल से, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए अब जाते हैं। वाओ, ये तो वीडियो में पहले ही दिखा दिया, उस तरफ दिखा रहा हूँ मैं, मतलब बीच के तरफ। ठीक है, चलिए गाइस वो देखो, बीच वो देखो। ओ भाई साहब, क्या पानी का लहर आ रहा है। मतलब वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट रियल लाइफ में ओ भाई साहब कतई जहर। ये देखो साउंड जो है ना, ऊश करके आ रहा है दिमाग, मतलब सही है। अभी ट्राइपॉड लेकर आया था मैं करीमगंज से, और अभी कुछ सिनेमेटिक कुछ टाइम लैप्स इंजॉय कीजिए आप। चलिए गाइस, अभी हम नीचे जा रहे हैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने, बट थोड़ा टहलने के लिए जाएंगे, मतलब टहलने के लिए पहले जाएंगे। ठीक है, चलिए। ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका है। क्या तरकता बरकता धूप है यार, शरीर जल रहा है। ये गार्डन यहाँ पर ना, ये देखो, खाली पेड़ से अगर आप ग्रास पे अगर चलो तो बहुत सही रहता है, हेल्थ के लिए अच्छा है। चलो ये देखो स्विमिंग पूल, यहाँ पर जाएंगे अभी नहीं, एक्चुअली वहाँ से मतलब बीच से आने के बाद यहाँ पर जाएंगे, अभी थोड़ा फिलहाल देख रहे हैं। यहाँ क्या नज़ारे यार, बढ़िया। ये देखो पूरा अकेला बैठा हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं लिया हूँ यहाँ पर लुची, ये और इडली के साथ कोई क्या मिलता है पता नहीं, मुझे नाम पता नहीं। उसके बाद ये चना और तीन एग लिया है, उसके बाद और तीन लूँगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो चलिए, एग है तो अच्छा, और ये रियल का मैंगो जूस, काफ़ी स्वादिष्ट है। मतलब मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर उठ जाऊँ, मतलब उतर जाऊँ, बहुत मन है। कभी स्विमिंग पूल में ऐसा चढ़ा नहीं, कभी गया नहीं है मैं। लाइक एक्वालैंड में गया था बहुत पहले 2017 में, और कभी नहीं स्विमिंग पूल में नहीं। तो चलिए, तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 9:54, और अभी और गाइज़ अभी हम जाएंगे थोड़ा दीघा घूमने के लिए, मंदाकिनी भी जाएंगे। तो कहाँ से कहाँ जाते हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रहा आउटफिट। तो अभी हम टोटो से जा रहे हैं उदयपुर, पीछे देख लीजिए हम सामने। तो गाइज अभी हम आए हैं उदयपुर, यहाँ पर मतलब वही है कि ऊपर सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर जाके सीटिंग अरेंजमेंट है क्या है देखते हैं। हाँ, आप जैसे नए हो, मैं भी ऐसे नहीं नया ही हूँ। चलिए, हाँ तो अभी यहाँ से आए हैं आप। एक्चुअली मैं एक सच्ची बात बोल दूँ, दीघा आए हो सिर्फ बीच ही घूमो बस, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दीघा आए हो बीच ही घूमो यार, काफ़ी सुंदर है। हाँ तो चलिए, तो ये ऊपर से आते समय आने के बाद ये है बीच, वही दीघा आए हूँ बीच ही घूमो, ये देखो। उसके बाद इधर से जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा फोटो शूट खींचेंगे। तो हाँ, ये लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ हवा तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और साथ ही साथ लहरें अगर आप देखें, माइंड ब्लोइंग। अभी यहाँ से हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर जो पेड़ है वहाँ पर बहुत अच्छा फोटोशूट हो जाएगा। चलो तो
वैसे भी चलते चलते उस तरफ जा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि कितना भीड़ है वहाँ पर। गाइस ये पार्क बन रहा है और वो भाई यहाँ का लहर देखो। और ये पार्क अभी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप। सामने से हम एंटर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अभी बीच के किनारे हम अभी गोला खाने के लिए बैठे, तो अभी भैया बनाएंगे गोला। जैसा बना कर रखा है। और अभी हम ये पार्क से सीधा होटल चले जाएंगे, उसके बाद स्विमिंग करने के लिए जाएंगे। तो पीछे कुछ खास नहीं है, दीघा आओ दो या एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए बस, दैट्स एनफ। उसके बाद कोलकाता घूमो यार, ठीक है। देवसागर चलिए चलिए गाइस, अभी हम घर चले जा रहे हैं। हम होटल में जाकर स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग आज ब्लू है, बारे 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 बारे। ये देखो गाइस, ये क्या है, ये चलने का है। इस पार्क में भी इसे कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली एक बात ही बोलो, इस पार्क में 10-10 रुपये का एंट्री है, लेकिन कुछ नहीं है। रात को आ सकते हैं आप, चेकआउट कर सकते हैं, बट मुझे उतना मतलब मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये बनाओ, अभी होटल जा रहे हैं गाइस। तो गाइस अभी स्विमिंग पूल में जाएंगे, तो इसीलिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं। एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम 50 रुपीस। तो अभी हम स्विमिंग पूल में उतरेंगे, ठीक है, चलिए। तो अभी पूल ख़त्म, अभी हम घर पे चले जा रहे हैं रूम में, एक ऐसे रास्ते से। चलिए माँ, वो पूरा शरीर भारी हो चुका है यार सच में। अब चलिए जाते हैं हम रूम में। चलो गाइस, अभी हम खाने के लिए आए हैं, ठीक है, दोपहर के लंच के लिए इसी होटल के रेस्टोरेंट में। उसके बाद यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे वो क्या बोलते हैं इसको, कोलकाता के लिए। गाइस अभी यहाँ पर बहुत टाइम से झूला झूल रहे हैं, खाना वाना खा रहे, अभी बैग पैक करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। अरे थैंक यू दादा, थैंक यू। अभी चेकआउट कर रहे हैं, ये रहा इस होटल, एक मैं बोलता हूँ A1 क्लास का होटल है। अगर आप दीघा आए तो इस होटल में जरूर जरूर चेकआउट करना, बहुत मस्त सा होटल है भाई। स्विमिंग पूल मिल सकता है, गार्डन एरिया भी है, ऊपर से सी व्यू भी है, मतलब ऑल इन वन, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी चलिए हम जाते हैं। तो गाइस चलो अभी हम हमारे डेस्टिनेशन वो मतलब वहाँ पर तो जाते हैं और सिटी ऑफ जॉय गाइस। अभी हम सो जाएंगे, ठीक है, और सोने के बाद सीधा आपसे मिलेंगे। चलो तो गाइस अभी इस होटल ढाबा कुछ भी बोलो वहाँ पर उठ रहे हैं चाय वाय पीने के लिए। चलिए तो अभी खाना वाना खा लो, अभी सीधा जा रहे हैं कोलकाता।
कोलकाता पहुंच चुके हैं। तो गाइस 5 आवर्स की जर्नी के बाद हमने हमें रूम मिल गया है, ठीक है। तो अभी ऊपर चले जाएंगे। रूम अभी अच्छा मतलब वो नो कि इसको क्या बोलते हैं, मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वेट करेंगे, मेंटेन होने के बाद जाएंगे। तो गाइस ये रहा रूम, हमारा खाना आ चुका है। तो गाइस अभी खाना खाते हैं और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।